प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब हम मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग जिसे हम कहते हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया गया हमारे व्यक्तित्व का ऑर्गन है, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, एक भाग है। और ये हमारे सब भागों में, सब ऑर्गन्स में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है मस्तिष्क। इसी मस्तिष्क के द्वारा हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है। मस्तिष्क के द्वारा ही इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं, हाथ, पांव, कान, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क उसको इंटरप्रेट करके फिर हमें बताता है उसके बारे में। मेरे पांव के चलने का, रुकने का, बैलेंस का हर काम मस्तिष्क करता है। और ये बहुत ही एक ऐसा ऑर्गन है जो परमेश्वर ने बनाया है। इसमें बताते हैं कि ये जो साइंटिस्ट हैं कि कम से कम 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, उनके बीच में एक स्पेस है, सिनेप्स जिसे हम कहते हैं। और जब हम कोई बात देखते हैं, सुनते हैं, या एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में, तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल उसमें तैयार होता है, और फिर वो हमारे मस्तिष्क में उसका इंटरप्रेट करके, उसका अर्थ बता करके हमें आगे को कार्य करने के लिए बोलता है। ब्रेन सुपर कंप्यूटर से भी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इस ब्रेन ने, इस मस्तिष्क ने क्या क्या डिस्कवरी नहीं किया है, आप और हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। किसी ने कहा है कि ये हमारे व्यक्तित्व का, ब्रेन या मस्तिष्क हमारे व्यक्तित्व का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जैसे कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसी प्रकार से हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर हार्डवेयर तो वो है जो एक्चुअल ब्रेन है, जिसको हम छू सकते हैं, जो एक मुट्ठी भर में, करीब में मुट्ठी भर में आपका ब्रेन अंदर आ सकता है, इतना बड़ा होता है। वो तो हुआ हार्डवेयर। लेकिन जो ब्रेन काम करता है, सोचने का, इंस्ट्रक्शंस देने का, इंटरप्रिटेशन का, अर्थ निकालने का, उसको हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर में भी होता है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन, वो इतने ज़बरदस्त डिस्कवरी इसी ब्रेन के द्वारा किया। स्टीफन हॉकिंस, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, वो पूरी रीति से तो पैरालाइज था, लेकिन उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क बहुत एक्टिव था, और उसने कई जगह पर लेक्चर्स दिए, बुक्स लिखे हमारे पूरे इस ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। सो ब्रेन, वो मन को, हमारे अंदर के व्यक्तित्व को, हमारे अंदर के मन को प्रकट करता है कि हम कौन हैं, हम क्या सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो ब्रेन का योगदान है वो इमेजिनेशन, या हिंदी में कहेंगे कल्पना की शक्ति। इसमें, इस ब्रेन में, इस मस्तिष्क में कल्पना करने की सामर्थ्य है। हम अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं कि उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बचपन को याद करिए, तो ज़रूर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आप देख रहे हैं कि कहाँ पर आपका घर है, वो सड़क, वो माँ बाप, आपके भाई बहन, दोस्त यार, सब आपको दिखने लगेगा। मैं एक उदाहरण जनरली इस्तेमाल करता हूँ, मुझे जलेबी बहुत पसंद है,
और अगर आप जलेबी का एक कल्पना करें तो आपको जलेबी अपने दिमाग में दिखाई देगा, हालांकि उसको आप छू नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते हैं, लेकिन एक कल्पना जो सोच है वो जलेबी का आपके दिमाग में आता है, यहाँ तक कि उसका कलर भी आप देख पा रहे हैं और शायद मुंह में पानी भी आ रहा होगा। लेकिन इमेजिनेशन या कल्पना की ऐसी शक्ति है कि वो सिर्फ कल्पना ही है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, वो एक्चुअली में वहाँ पर नहीं है। तो हम देखते हैं ये विचारधारा जो हमारे मन के अंदर आता है, ये सब हमारे मस्तिष्क की देन है, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इतना अच्छा ऑर्गन हमारे लिए किया। इसी ब्रेन की वजह से, इसी मस्तिष्क की वजह से पूरा काम सुचारू रूप से होता है। और अगर आपने देखा होगा, अगर जो व्यक्ति पियक्कड़ है, पीने वाला है, अगर वो ज़्यादा पी लेता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है उसके ब्रेन, उसके ब्रेन में इनफ ब्लड नहीं पहुंचता, इसलिए उसके सोचने की, विचारने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम हो जाती है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, और इसकी वजह से वो अनाप शनाप बातें बोलने लगता है, एक पागलपन वाली हरकतें करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क अपसेट हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है और वो काम नहीं करता। सो प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह ब्रेन हमें गिफ्ट में के रूप में दिया है और उसका हमें सही उपयोग करना है। अब एक जो राजा था उसका नाम सुलेमान था, पुराने नियम में, बाइबल में हम पढ़ते हैं, और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत पूरे दुनिया में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। अगर आप इसके बारे में पढ़ना मांगते हैं और तो बाइबल में आप ज़रूर देखिए, नीति वचन है, सभोपदेशक है, कई किताबें जो उसने लिखा, उसने जो ऑफ कोर्स वो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा है, लेकिन बहुत अपने राज्य में बड़ा बुद्धिमानी वाले काम किया। तो हम देखते हैं ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए गिफ्ट है। दूसरी बात हम देखते हैं, ये ब्रेन, ये मस्तिष्क खराब हो गया, इसमें वायरस लग गया। जी हाँ, वो वायरस कहाँ से आया? वो वायरस आया जब आदम और हवा ने पाप किया और उनका पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन पापी हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेन या मस्तिष्क, सोच विचार की जो क्षमता है, उसमें जो विचार आते हैं वो खराब आते हैं, उसमें एक वायरस घुस गया। अगर हम कहें जैसे कि कंप्यूटर के अंदर वायरस घुस जाता है, सॉफ्टवेयर को उल्टा सीधा गड़बड़ कर देता है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से एक पाप वाला वायरस हमारे मन के अंदर घुस गया है और उसकी वजह से हम जनरली साधारणतः वो बातें नहीं सोचते हैं जो हमें सोचना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम एक पद देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका 6:5, उत्पत्ति 6:5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये देखिए, यह है परमेश्वर का वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुछ मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। ईवल, ईवल थॉट्स जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे मन की दशा है, ये हमारे मस्तिष्क की दशा, ये हमारे सोचने की दशा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वो है यिर्मयाह उसका 17:9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यह है परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है।
जी हाँ, ये वो बैटल ग्राउंड है, ये वो लड़ाई का स्थान है जहाँ पर हमारे मन में जो होता है और जो खराब अच्छा बुरा जो भी है, ये हमारे रण की जगह है। आत्मिक रीति से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और कुछ पद। मैं बाइबल के पद इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप बाइबल में जो लिखा है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हम समझें कि क्या है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मन में आता है, और आप जरूर मेरे साथ सहमत होंगे, परमेश्वर के साथ सहमत होंगे कि एक्चुअली में ऐसा ही है। मैं पढ़ूंगा रोमियो 1:28। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और वे क्या है अनुचित काम? वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए हैं, और डाह, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से परिपूर्ण हो गए हैं, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। क्या ये हमारे समाज की दर्पण नहीं है? ये हमारे समाज की दर्पण है। ये साहब हमारे चारों तरफ हम में और हमारे समाज में बहुतायत के रूप में पाया जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो विचारधारा हमारे मन की उपज है, जो पाप वाली चीज़ें हैं, अधर्म वाली चीज़ें हैं, दुष्टता, लोभ, बैर भाव वाली जो चीज़ें हैं, ये हमारे मन ही से आती है। वो इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे मित्रों, क्योंकि ये मन में श्राप लगा है, इस मन में वायरस घुसा हुआ है, और उस वायरस का नाम है पाप, दुष्टता, अधर्म। जी हाँ, जैसे कि कहा जाता है, ये हमारे मन में चोरी चोरी चुपके चुपके घुस के आकर के वहां राज करता है। जी हाँ, एड्स क्यों होते हैं हमारे जीवन में? एड्स, AIDS जो बीमारी, क्योंकि उसका वायरस हमारे अंदर घुसता है और वहाँ बैठ जाता है, और बैठ करके और डुप्लीकेट कॉपी बना करके हमारे शरीर को तहस नहस करता। 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद पता पड़ता, रही इस व्यक्ति को तो एड्स हो गया, उसे पता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक एड्स का वायरस, आत्मिक पाप का वायरस हमारे जीवन में अंदर आता है, घुसता है। मेरे प्रियो, हमें होशियार रहना है कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को किस जगह ले जाते हैं, किसके कंट्रोल में है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में या शैतान के कंट्रोल में। मत्ती रचित सुसमाचार में एक पद और पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा 18 पद से। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, ये बहुत पते की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी और हमारी इसमें अगुवाई करेगी। पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, सुनिए ये परमेश्वर का वचन है, पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, झूठ, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं, और यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यस, मेरे मित्रों, हमें
इसमें इसलिए होशियार रहना है, हमें अपने दिमाग को, हमें अपने मस्तिष्क को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने की ज़रूरत है, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन बिता देंगे। एक लॉ है हमारे फिजिक्स में, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। हमारे अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। जिस प्रकार के वीडियोस, पोस्टर्स, म्यूजिक, मूवीज, ये सब देखते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे मन के मस्तिष्क को, सोचने विचारने की सामर्थ्य को हिला देते हैं, पाप में बहका देते हैं, और इसलिए हम बहक जाते हैं। तो मेरे मित्रों, इस दिमाग का तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जैसे हार्ट ऑपरेशन होता है, वैसे ब्रेन ऑपरेशन की भी ज़रूरत है, हमारे मस्तिष्क की ऑपरेशन की ज़रूरत है। उस वायरस को निकालना है, कैसे निकालेंगे, है ना? सिर्फ हम सोचें कि भाई अच्छे काम करो, अच्छे विचार सोचो। अरे विचार अच्छे कैसे सोचेंगे साहब, जब वो सोचने वाला ही में बीमारी लगी हुई है, अर्थात मस्तिष्क में। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा दिमाग का परिवर्तन हो, हमारे दिमाग में एक नया व्यक्तित्व आए, एक नई आत्मा आए। और वो आत्मा क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से हम इस मानसिकता को, इस मन को पवित्र कर सकते हैं। लिखा हुआ है, एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 पद, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। उसमें हमारा मन भी नया हो गया। यदि कोई मसीह में है, मसीह में होने का मतलब क्या है? मसीह में होने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, अपना पूरा व्यक्तित्व दें, उस पर विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ करके हमारे सब मन को क्या करता है, नया कर देता है। तो ये है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई, नया है, सब कुछ नया हो गया जी। अब वो पुरानी बातें चली गई, पुराने विचार चले गए, चोरी चला गया, झूठ बोलना चला गया, उल्टी सीधे इमेजिनेशन कल्पना करना चला गया। क्यों? क्योंकि अब वो प्रभु यीशु मसीह में नया व्यक्तित्व बन गया है। यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ, मैं अभी पढ़ूंगा, उसमें लिखा हुआ, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, एक नया हृदय दूंगा, एक नया मन दूंगा, जिसे कहते हैं हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे मन को पूरा संपूर्ण रीति से नया करेगा। एक पद और मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 51, जो दाऊद कई बार इन बातों को कहता है, 51 और उसका 10 पद, 51 का 10 पद। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आहा, क्या बात है! क्या ये आपकी अंदर की आवाज़ आप कह सकते हैं? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जी हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अब पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ये प्रार्थना आपको दिल से यीशु मसीह के नाम में करना है, तब वो हमारे
मन को नया करेगा, हमारे मन में नई आत्मा देगा, जैसा मैंने अभी आपके परमेश्वर के वचन में पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके वचन पर चलना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 5, मैं भजन संहिता नहीं, एफिसियों उसका 5वां अध्याय और 26 पद में क्या लिखा हुआ है, आइए हम देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है यहाँ पर। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, किसको? आपको, मुझको। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपनी पास खड़े करे, जिसमें न कलंक और न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ मेरे मित्रों, हमारे मन का, हमारे हृदय का परिवर्तन बहुत जरूरी, तभी हम अच्छी बातें अंदर से निकाल सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सटीक है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 10वें पद में लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होता है, नया बनता जाता है। देखिए, पहले हमारा मन में क्या था, डिप्रेव था, करप्ट था, भ्रष्ट हो गया था, पाप में था, वायरस घुस गया पाप का, उल्टी सीधी इमेजिनेशन, कल्पना करते थे। लेकिन अब उसी दिमाग को परमेश्वर नया कर सकता है, यदि आप चाहें तो। जी हाँ, यदि आप चाहें तो हम अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और पश्चाताप करके उसके पीछे चले, तब परमेश्वर हमें एक नया मन देगा। रोमियो उसका 12वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो 12 पहले 2 पद, बहुत अच्छा पद है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि अपने मन को, अपने हृदय को, अपने पूरे व्यक्तित्व को प्रभु के सामने एक जीवित बलिदान के रूप में, बलिदान का रूप का मतलब है, प्रभु अब मैं तेरे हाथ में अपना जीवन सौंपता हूँ, सौंपती हूँ, मेरा जो पाप था, मेरा जो मन था, मेरा जो हृदय था, मेरा जो पापी जीवन था, वो अब मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, अब मुझे तू नया मन दे, मैं विश्वास करती हूँ, करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करेगा, तुझे मैं ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ, मेरे पापों को धो और मुझे नया कर, मैं विश्वास कर, आज से मैं तुझे और सिर्फ तुझे ही, तुझ ही को अपना जीवन समर्पित करता हूँ, करती। ये है बलिदान, ये है वो बलिदान। तब परमेश्वर हमारे मन को बलिदान के रूप में ग्रहण करेगा। आपको मालूम है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो ज़बरदस्त पहली शताब्दी में ग्रीक का एक बड़ा भारी एम्परर था, उसने दुनिया को तो कॉन्करर कर लिया, दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। अपने मन के जो कंट्रोल है, पैशन है, मन के अंदर जो भावनाएं हैं, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। जी हाँ, और ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है, जब हम उसके पास आए। जी हाँ मेरे मित्र गण, और ये मन जब नया हो जाता है
तो कंटिन्यू इसको नया करते रहें, कंटिन्यू नया करते रहें। आपने देखा होगा कि जो आजकल आरओ बहुत चला है ना, आरओ पानी का साफ करने का, क्योंकि पानी में बहुत कई प्रकार की बातें पाई जाती हैं, कीटाणु पाए जाते हैं। और तो हम देखते हैं कि ऐसा पानी पीने से शरीर को फायदा नहीं पहुंचेगा, बट नुकसान पहुंचता। तो आरओ आजकल अक्वा, अब क्या होता है, पानी बहता जाता है और अच्छा पानी आता रहता है, पानी बहता जाता है, खराब पानी अंदर घुसता है, अच्छा पानी अंदर आता है। और ये करता कौन है? अरे साहब, ये आरओ जो अक्वा लगा ना बीच में, वही निकालता है सब गंदगी। तो हमारा आरओ, आपका आरओ, मेरा आरओ, मेरा अक्वा गार्ड मालूम क्या है? आत्मिक रीति से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। जो भी बात है परमेश्वर के वचन से आप देखिए, उसके वचन को अपने जीवन में रखिए। देखिए, गंदा बात आने से पहले वो परमेश्वर का वचन रोक देगा उसको। जी हाँ, दाऊद एक जगह पे लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, वो साफ होता रहेगा, साफ होता रहेगा। और जहाँ परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया भैया, फिर गंदगी आ जाएगी। होशियार रहिए, मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, और तब परमेश्वर का वचन बोलता, अरे भाई वचन पढ़ो, मनन करो, उस पर चलो, अच्छा अच्छा जी माफ़ करना प्रभु। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। हमने आज देखा मन के बारे में कि परमेश्वर का एक अच्छा गिफ्ट है, ये दान है, वरदान है, लेकिन इसमें रोग लगा हुआ है, इसमें पाप का रोग, पाप का वायरस लगा हुआ है। दूसरी बात हमने देखा परमेश्वर के वचन में। तीसरी बात हमने देखा कि इसको नए करने की ज़रूरत है, तभी उसमें से पवित्र चीज़ें निकलेंगी। और फिर इस नए मन को कंटिन्यूली लगातार धोते रहना है, धोते रहना है। और वो धोना है परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और उस पर मनन करने के द्वारा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप अपने मन को परमेश्वर के सामने रखकर उसके वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद।